इतना आसान नहीं है संविधान को खत्म करना। अगर सारी महिलाएं सड़कों पर उतर गईं, तो हम इन मनुवादियों को अच्छे से मजा चखा देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ना तो थे, ना है, ना कभी होंगे। धर्म बनाता है अछूत और नीच, केवल ऐसा धर्म हिंदू धर्म है जो लोगों को नीचे करता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे कोई जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज वही मैं पिया हूँ, इसलिए मैं दहाड़ता हूँ। सरकार अच्छा काम नहीं करती, सरकार जुमले फेंकती है केवल। पॉलिटिकल पावर तो कहीं नहीं है ना भी हमारी कहीं भी। देख लो क्या आला नेताओं का, सबका सब बैठे हैं, तो सब जितना आंदोलन था सब नीचे कर दिया वो। और जो है दलित जितने भी लोग थे उनका कोई अस्तित्व नहीं था। ये संविधान और अम्बेडकर की ही देन है जो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विश्व में इस तरह का जन्मदिन कहीं नहीं, किसी का भी नहीं मनाया जाता, तो ये अपने आप में ही एक उदाहरण है। शिखा सिंह अभी दिल्ली के संसद मार्ग में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम होगा कि आज अंबेडकर जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अंबेडकर को मानने वाले सभी लोग यहाँ पे आए हैं। हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। और लोग अभी और कितना बदलना बाकी है, कितना समाज बदलना तो बहुत बाकी है, मगर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से बदलाव है। और ये जनसभा जो जुटी हुई है बदलाव के कारण ही हुई है। कभी जमाना में था कि यहाँ आदमी तो क्या, यहाँ पक्षियाँ नहीं आती थी। और जो है दलित जितने भी लोग थे उनका कोई अस्तित्व नहीं था। ये संविधान और अंबेडकर की ही देन है जो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके आँख में आंसू दिख रहा है, बाबा साहेब के नाम पे आप रोने लगे, इतना प्रेम है आप। जी हाँ जी, जरूर है। तो क्या लग रहा है, क्या क्या और बदलाव की जरूरत है? अभी तो बदलाव ही, अभी भी छुआछूत है? नहीं, अभी तो है जरूर, मगर जो एकदम से था वो अभी 70% तो लोगों में जागरूकता आई है। आप इनको देख सकते हैं कि इनकी आंखों में आंसू आ चुका है। जब बाबा साहब की बात हम करते हैं तो जाहिर सी बात है, बाबा साहब ने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए इतना कुछ किया है कि उनके बारे में सोच के किसी को भी आंसू आएगा। हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है सर, कितना बदला है समाज? अभी तो बहुत बदलना है जी, कुछ नहीं बदला अभी तो कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। नहीं नहीं यार, बाबा साहब के जितने भी मेहनत थे सारे फीके पड़ गए। नहीं यार, भीड़ से थोड़ा बदल रहा है। पॉलिटिक्स लगता है कब तक बदलेगा? पॉलिटिक्स में देखो कुछ पावर नहीं है कहीं भी, सारे नेता कहाँ है हमारे, कुछ नहीं बदला, सारे पीछे जा रहे हैं। मोदी जी तो ओबीसी के हैं और वो कहते हैं आधे करोड़ लेने भी जाते हैं यहाँ पर, जितने यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सब। यहाँ से क्या दिक्कत भाई, यहीं आ गई है ये? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, पर पावर से क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल पावर तो कहीं नहीं है ना भी हमारी कहीं भी। देख लो क्या आला नेताओं का, सबका सब बैठे हैं, तो सब जितना आंदोलन था सब नीचे कर दिया वो। क्या करना होगा जो वो लोग पावर में आएंगे, जो दलित हैं, बहुजन हैं, उनको ऐसा क्या करना होगा जो वो लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो कब प्रगति करेंगे? बस ये तो लीडर पे डिपेंड करता है, लीडर ही कोई करें, काशीराम जी जैसे फिर आए कोई लीडर। मायावती को प्राइम मिनिस्टर बनाइए क्या? नहीं नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल सारा आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। क्यों, क्या मतलब है वो? उन्होंने तो करप्शन में वही जो एक बीमारी होती है, भतीजा बना दिया, फिर भतीजे के बाद उसका वो, अरे किसी दूसरे को बनाओ, सबक लो बीजेपी से। किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, जो लीडर है हमारा। लीडर कौन बनेगा? लीडर कोई भी बहुत है लीडर, तो आपकी नज़र में कौन लग रहा है? बड़े अच्छे हैं, पढ़ लेंगे नहीं ऐसे तो नहीं बता सकते कौन है, वो तो जो काम करेगा वही होगा, लेकिन कोई भी नहीं रहा कौन है बीएसपी में। देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि अभी भी बदलाव है, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लग रहा है मैम, आज आप बाबा साहब की जयंती पे आई हैं, महिलाएं कितनी प्रगति की है? देखिए, विश्व में इस तरह का जन्मदिन कहीं नहीं, किसी का भी नहीं मनाया जाता, तो ये अपने आप में ही एक उदाहरण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और महिलाओं को जो रास्ता बाबा जी ने दिखाया है उसका पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी, जो चांस उनको मिला है, जब तक वो मेहनत नहीं करेंगी, अपने आप को तराशेंगी नहीं, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगी, तो ये चांस मिला है, वन शुड नॉट लूज इट। क्या लग रहा है कि महिलाएं विकसित हो रही हैं, महिलाएं ग्रो कर रही हैं, बाबा साहब ने जो निर्देश दिया था महिलाओं को, मजदूरों को, दलितों को, क्या वो उस राह पे चल पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, या इतनी बड़ी भीड़ इसी चीज का तो उदाहरण है। लेकिन इसमें
से कई वो भी लोग हैं जो देवघर भी जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं, हिंदू धर्म भी मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको मतलब आगे बढ़ना है तो आपको पंडितों को, भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजना बंद करना होगा। ये फेथ है, ये आपको फेथ डेवलप करता है, ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पार करके दूसरी पे आते हैं, तो ये शुरुआत है, लेट इट, इसको बेसिक समझो। कब तक लग रहा है? स्टार्ट करके जैसे फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट क्लास में आप एंट्री लेंगे तभी आप फिफ्थ क्लास तक या टेंथ क्लास तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी एक बिगिनर समझ के आप इनको थोड़ा चांस दीजिए, वक्त आने। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, आदिवासी हैं, जो लोग जानते नहीं है कि संविधान क्या होता है, संविधान में उनका हक कितना है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और कब तक ये लोग जान पाएंगे अपने हक अधिकार को? देखिए, हक अधिकार का मतलब है अपने आपको अपने मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करना। तो जिस दिन वो हो गया उस दिन शायद बोलना नहीं पड़ेगा, खुद समझ आएगी। कब तक कितना वक्त और लग सकता है ये सब चीज़ों में, क्योंकि अभी बहुत साल हो चुके हैं इस चीज़ को, संविधान को बनाया गया है, 75 साल से ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ को, और 75 साल में भी आज लोग अपने अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं, आज भी वो पाखंडियों के चक्कर में रहते हैं, क्या ना? देखिए, मिरेकल्स होने में देर नहीं लगती है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। तो देख रहे हैं लगातार लोग बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे सर, आज इतने साल हो गए बाबा साहेब की जयंती को मनाते हुए, कितना बदलाव हुआ है समाज में और कितने की जरूरत है? अभी जो बदलाव होना था वो पूरा नहीं हुआ, अभी बदलाव हुआ नो डाउट, पर अभी तक जो समाज के आखिरी कोने तक जिस इंसान को बदलाव की ज़रूरत है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, अब हम मध्यम तक भी पहुँचे हैं, इसमें और बदलाव करना है, और बदलाव में हमको व्यक्तिगत संघर्ष भी करना पड़ेगा। अभी हम ये सोचे कि कोई संगठन या गवर्नमेंट कुछ करे, वो नहीं, हमको अपने हिसाब से भी करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और की अपनी लिमिटेशन है, तो उसको देखते हुए हमने 2005 में ये हमारा डिक्की दिल्ली दिल्ली इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लॉन्च स्टार्ट किया हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कामले जी ने पुणे से। अब हमारी 18 वर्ष की जर्नी हो चुकी है, हम इस चैप्टर के आपने बोला कि और भी बहुत कुछ बाकी है, हाँ। बहुत कितना वक्त लगा, क्योंकि बहुत साल बीत चुके हैं और अभी भी देखो ये इस वक्त को टेंजेबल में हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, समाज बहुत बड़ा समाज है, हर समाज की अपनी उपेक्षाएँ हैं, और वो उपेक्षाओं में खुद को भी संघर्ष करना पड़ेगा, सरकारों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, समाज का हर व्यक्ति को मिलकर काम करना पड़ेगा। आज भी राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बहुत पीछे है, इसकी क्या वजह है? वजह ये कि हम लोगों ने सिर्फ राजनीतिक में अपनी पैठ बनाई, हमें शिक्षा को भी ध्यान देना चाहिए था, सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए, उन पे हमने ध्यान नहीं दिया। अब क्या है कि जॉब्स श्रिंक होना शुरू हो गई हैं, अब हम जाके दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, यदि हम शुरुआत से दूसरे विकल्प को भी लेके चलते तो सिनेरियो कुछ और होता। मतलब शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा, देखो हर काम के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा का मतलब ये नहीं स्कूली शिक्षा, शिक्षा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपको बिजनेस के लिए भी शिक्षा चाहिए, अपने जॉब के लिए भी शिक्षा चाहिए, आपको सर्वाइव करने के लिए भी शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा इज़ द मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग। हम तो हर साल आते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं इतना प्यार, हाँ सुल्तानपुर से आते हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर जिला से। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मैं कुली काम करता हूँ और मीडिया से भी हूँ थोड़ा बहुत, और बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए उनको क्या बोलना चाहेंगे बाबा साहब की जी? हम तो यही कहना चाहते हैं सबको आना चाहिए, लेकिन लोग कुछ काम बिजी रहते हैं, कोई शराब, कोई गांजा, सब कोई पत्ते खेलते हैं, लेकिन सबको आना चाहिए यहाँ पे जी। तो देख सकते हैं ये लखनऊ से आए हैं, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, बात करेंगे कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या लगता है कि महिलाएं विकसित हो पाई हैं? हाँ, आजकल महिलाएं ज़्यादा विकसित हो रही हैं, वैसे भी आजकल देखा जाए तो हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे हैं अकॉर्डिंग टू मेल्स, मेरा मानना तो यही है। बाबा साहब की जयंती पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या करना चाहिए महिलाओं को जो आगे बढ़े, तरक्की करे? फर्स्टली उन्हें पहले तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अपने डिसीजंस वो खुद ले सके, ताकि मतलब कि उन्हें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, और अपने आगे जाके अपने मोटिवेट करें औरों को भी, अपने आप को दिखाएं कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती,
तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को पहले इंडिपेंडेंट बनाए, घरेलू में ना रहे। कि देखा कि आपने, मैंने इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने की बहुत आवश्यकता है, उन्हें खुद का डिसीजन खुद लेने की आवश्यकता है। आजकल जनरली ये होता है कि घर में उनके माँ पिता भाई या कोई और उनका डिसीजन लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जैसा कि इन्होंने कहा कि उनको इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। क्या आप यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों? संदेश यही है मैडम कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की ऐसी स्थिति थी, पिछड़ियों की ऐसी स्थिति थी कि बहुत दयनीय स्थिति थी। आज मैंने आज बीएड कर रखा है और मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, क्योंकि अगर वो अधिकार नहीं मिलता तो शायद आज मैं इस जगह नहीं पहुँचता। आपने कहा कि मैंने ये सारी डिग्रियाँ ली हैं, तो क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते? जी, मैं किसी धर्म की मैं ऐसा कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि कारण यह है कि वो सब काल्पनिक है, एक तरह से मेरे लिए तो काल्पनिक है। जिस समाज में बराबरी का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, जिस समाज में लोगों को जो लोगों को अधिकार है कि मतलब जीन जीने का, आज भी हम जाके देखते हैं MP जैसे, झारखंड जैसे, UP जैसे राज्यों में, तो वहाँ भी स्थिति दलितों की, पिछड़ों की आज भी वैसी खराब की खराब पड़ी हुई है। लेकिन हमें जागरूक होना है, और ये जागरूकता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, और ये शिक्षित होने के द्वारा ही ये जागरूकता आ सकती है। आप कह रहे हैं अम्बेडकर बाबा साहब का दिया हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही है जो है कर्ता धर्ता, हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो ये कहता है उसे शायद सही जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में अभी कुछ समय एक रिकॉर्ड आया था जिसमें कि 8 अरब लोग, पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, जिसमें 2.60 अरब लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी के हैं, उसके बाद मोहम्मदम के हैं, और हिंदू का कई बहुत पीछे उनका नाम है, ये मान्यता है। लेकिन भारत में हिंदू धर्म है और सारे लोग हिंदू, ऐसा लोग कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू सबसे पवित्र धर्म है। हिंदू में इतने करोड़ देवी देवता हैं, राम मंदिर है, राम जैसे महापुरुष हैं। जी, मैं ऐसा है कि वो उनकी मान्यता है, लेकिन मेरी मान्यता नहीं है वो, इस कारण से क्योंकि जो है अगर ऐसा होता तो समाज में मानव को मानव समझा जाता, क्योंकि मानव को मानव समझा जाता तो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इतना जो उन्होंने संघर्ष किया, और आज भी हमारे भाई लोग जो हैं, मैं देखता हूं कि वो आज भी ऐसे सुनने में आता है कि वहां दलितों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, मार डाला गया, और आज भी जो है उस नज़र से नहीं देखा जाता है जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा हम लोगों को दिलवाया है, आज भी वो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हमें एकजुट होना है, और अगर जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है ये उनका जो है जो कारवां है जो यहाँ तक आया है, आज भी इतने साल हो गए हैं, अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं लोग, बहुत कम ही लोग एकजुट हैं, क्या वजह है इसका? एक वजह बताइए। इसका सिर्फ एक ही वजह है, वो है शिक्षा। अगर शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित हो जाएंगे जिस दिन, तो वो जानकारी अपने आप उनके बुद्धि में, उनके दिमाग में आ जाएगी, और वो शिक्षित होने के बाद ही उन्हें पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे कोई जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आज वही मैं पिया हूँ इसलिए मैं दहाड़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, शिक्षा के बाद लोग डिसाइड कर पाएंगे, शिक्षा के बाद लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शिक्षा ही है वो जो जरिया है, एकमात्र जरिया है। हाँ जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। क्या कहेंगे, इतने साल हो गए हैं आपने इनके यहाँ पे, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन से हैं आप, एक बार जूम करेंगे कैमरा पर दिखाएंगे, और ये वॉलंटियर हैं आप, क्या लग रहा है कि आज भी कुछ लोग एकजुट नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजह है? आज एकजुट हो रहे हैं, ताकत बाबा साहब की बढ़ रही है, बाबा साहब का हमारा कारवां बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आज से बाबा साहब पहले बहुत संघर्ष करने के बाद आज ये समाज इस मुकाम पे है, ये सब बाबा साहब की देन है, और सब धीरे धीरे सब एकजुटता की ओर बढ़ रहे हैं, ये है मैडम। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आज इतने साल हो गए हैं बाबा साहब के जयंती मनाते हुए, आज भी आपको लग रहा है छुआछूत कहीं ना कहीं है, आप भी दलितों के साथ आज भी मारपीट हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और फिर भी जो दलित और बहुजन है वो राम को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, आप मानते हैं?
नो, मैं केवल बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब और तथागत बुद्ध को मानता हूँ और हमारे बहुजन महापुरुष हैं केवल उनको मानता हूँ, ना मेरा भगवान कोई वो है, बाबा साहब मेरे भगवान हैं, बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। मानते हैं जो लोग दलितों के साथ इतना अत्याचार होने के बाद भी वो लोग विश्वास करते हैं भगवान में, उसको क्या कहेंगे आप? वो गलत कर रहे हैं, अगर बाबा हमारा भगवान हमारा कोई भला करता तो संविधान लागू होने से पहले हमारे भला करता, जब बाबा साहब ने संविधान लागू कर दिया उसके बाद बहुत भगवान आ गए, बाबा भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा भला केवल बाबा साहब ने किया है, बाबा साहब ही हमारे सब कुछ हैं और इसके अलावा हमारा कोई नहीं। एक जैसा कि लोग कहते हैं कि अछूत दलित, तो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि अछूत और दलित जो होता है लोग मानसिकता के हिसाब से होता है, आपको क्या लगता है कि समाज में सबसे बड़ा अछूत कौन है? मानसिकता नहीं, केवल धर्म, धर्म बनाता है अछूत और नीच, केवल ऐसा धर्म हिंदू धर्म है जो लोगों को नीचे करता है, वैसे कहता है तो हम हिंदू हैं लेकिन बाद में उसमें मतलब बहुत जातियों में बांट दिया समाज को, केवल वो मनु धर्म में कोई जाति नहीं, नहीं केवल बाबा साहब ने इसलिए तो अपनाया था, पूरे 21 वर्ष पूरे सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म को ही ग्रहण किया था। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कल रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी तो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत, और जो अंबेडकर को पढ़ाया है, बाबा साहब को पढ़ाया, वो ब्राह्मणों ने पढ़ाया, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे, आप उस पर क्या कहें? बाबा साहब का जो सहयोग किया है, एक टीचर थे वो अंबेडकर करके ब्राह्मण समाज के थे, लेकिन बाबा साहब ने उनको जाना और बाबा साहब ने उनका सहयोग किया, ऐसा नहीं है, हर समाज में हालत हर समाज में अच्छे रहते हैं, आज में गलत। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा, लग रहा है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल यहाँ पे बुद्धिज्म रहेगा या हो जाएगा। मैम देश का कैसी बात कर रही हैं आप? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ब्राह्मण के लोग कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुस्लिम अपना राष्ट्र बनाएगा और क्रिश्चियन अपना राष्ट्र, भारत का मैम भारत हिंदू राष्ट्र बनता है ना, तो जैसे नेपाल आज पीछे है ना पूरी दुनिया में, ऐसे भारत भी पीछे हो जाएगा। तो ये हिंदू राष्ट्र की गणना केवल मनुवादी लोगों की सोच है और कुछ नहीं है। मनुवादी सोच ये है कि धर्मों में बांट कर, जातियों में बांट कर इस देश को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, लेकिन इससे उनको क्या फायदा? इससे उनकी दुकानें चलती हैं, धर्म की, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं बड़े बड़े, तो फूट डालकर केवल अपनी दुकान को चमकाना चाहते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि कम से कम जो बाबा साहब का संविधान है ये भारत को अखंड कराता है, और केवल भारत को नहीं, उसकी देखा देखी पूरे विश्व में और दूसरे जो देश हैं वो बाबा साहब के संविधान से प्रेरणा लेकर आज एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो संविधान के प्रारूप से ही संपन्न हो सकती है, ऐसा चाहूँ राज में बहुत पहले कितनी बार हमारे संत कबीर साहब और रविदास महाराज ने कह दिया था और आज ये लेके बैठे हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात। तो मेरा मानना यही है कि संविधान ही उनको एक कर सकता है अखंड भारत की तरह। लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को खतरा है, अल्पसंख्यक से हिंदुओं को खतरा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये केवल जीने की शैली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन है, सनातन ही है, वो ब्राह्मणों की देन है, जो कि हमारे देश के अंदर जितने भी ये वेद पुराण ये गठित करे गए हैं ये इसी की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे, और उसके अंदर हमेशा एक दूसरे को भेदभाव की नीति सिखाया गया है। क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती को इतने साल हो चुके हैं, क्या संदेश देंगे? और जो लोग उनको मानते हैं अभी भी, जो बहुजन जो दलित मानते हैं राम को या ब्रह्मा विष्णु महेश को, उसको क्या कहना चाहेंगे? जो इस तरह के हमारे उनमें एक्चुअली अभी शिक्षा का ज्ञान है, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं, वो क्या करते हैं पहले मानते हैं फिर जानना शुरू करते हैं और बाद में पछताते हैं, उम्र बीत जाती है लोगों की और बूढ़े हो जाते हैं, मरकब भी जाते हैं, पर वो चीज़ नहीं आ पाती जो बाबा साहब के संविधान को पढ़कर या हमारे महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़कर आएगी। जैसे कि बाबा हमारे महात्मा फूले ने बहुत पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, अगर उनको पढ़ें तो आगे बढ़ेंगे, वही एक लंबी लाइन है हमारे महापुरुषों की जो आगे हमें सिखाते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे महिलाएं हैं, क्या संदेश देना चाहती है बाबा साहब की जयंती पे महिलाओं के लिए? आप सारी महिलाएं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में महिलाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें अगर किसी को सबसे ज्यादा हक अधिकार मिले हैं तो वो भारत की महिला को मिले हैं, क्योंकि जब बाबा साहब ने अपना संविधान लिखा तो उन्होंने सबसे ज्यादा ख्याल महिलाओं का रखा। संविधान में तो हक दिए, हिंदू कोड बिल लिख कर अलग से हमें हक दिए, तो हम लोग अपने संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं। जो मनुवादी लोग इस संविधान पर प्रहार कर रहे हैं कि ये हमारे देश का नाम ही बदल रहे हैं, आर्टिकल
एक का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इतना आसान नहीं है संविधान को खत्म करना। अगर सारी महिलाएं सड़कों पर उतर गई तो हम इन मनुवादियों को अच्छे से मजा चखा देंगे। आप कह रहे हैं कि महिलाएं उतर गई, लेकिन कुछ ब्राह्मण महिलाएं भी है, मनुवादी जिसको आप बोले हो, सोच की महिलाएं भी, क्या वो आपका साथ देंगी? देखिए, उस महिलाओं को भी हक मिल रहा है बाबा साहब की वजह से। देखिए, बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिए, उन्होंने जात पात नहीं करी। पर अगर इस देश में मनुवादी लोग जात पात करते हैं तो कोई बात नहीं, महिला शोषित है, उनकी भी महिलाएं शोषित है, वो भी घर में झाड़ू पोछे करती हैं, उनको भी वो अपने हिसाब से सेट करके रखते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। शुरू से ही उनको अगर पता चल जाए कि उनके बारे में उनकी संस्कृति में लिखा गया है तो वो सारे बाहर निकल जाएंगी। लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं, वो निकले या ना निकले, पर मूल निवासी नारियां तो निकल चुकी हैं सड़कों पर। लेकिन आप कह रही हैं मूल निवासी नारियां निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिसमें लड़कियों को कभी सीता को अपना अपने जैसा कि जाना होगा कि रामायण में सीता को निकाल दिया गया, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को मानना सही है या गलत है, आप बताइए। देखिए, ये हर इंसान की खुद की विचारधारा है। जो बाबा साहब का संविधान जब तक नहीं समझ रहा, जब तक वो इस अंधकार में है, तो इसके लिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम इसे मत मानो। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप भारत के संविधान को मानो। जैसे जैसे महिलाएं या लोग भारत के संविधान को समझेंगे तो वो अपने आप इन चीजों से अलग हो जाएंगे। कह रहे हैं कि भारत जो है संविधान के बजाय हिंदू धर्म जब बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। जो लोग कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं जो मनुवादी लोग हैं, जो इस विचारधारा को मानते हैं। लेकिन जो जितने भी 85% लोग हैं, हम सबको पता है कि संविधान से ही चलेगा भारत। राम मंदिर बन गया है, इतने सारी चीजें हो रही हैं, कभी धर्म को लेके इधर मारपीट हो रहा है, इधर मारपीट हो रहा है, धर्म को लेके सारी चीजें हो रही हैं, आप देख रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना? उसके लिए मैं ये कहूंगी, उनकी सरकार है, वो उस हिसाब से देश को चला रहे हैं। सरकार कैसे है? वो तो ओबीसी माँ के बेटे हैं, मोदी जी हिंदूवादी सरकार के लोग हैं, वो लोग हिंदूवादी विचार ने आप ही हिंदू वो बना लिया, उन्होंने अपने आप को ओबीसी बना लिया। बाकी देखिए ना, ये सब जो ब्राह्मणवाद है, उन्होंने दिमाग ऐसे मतलब कर रखे थे अपने कब्जे में कि लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। उनकी महिलाएं तो निकल ही नहीं रहे, हमारी महिलाएं भी पूरी तरह नहीं निकल पा रही हैं। तो ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं अपने, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ना तो थे, ना है, ना कभी होंगे। ये पति तो परमेश्वर है, पति परमेश्वर उन्होंने बनाया, क्योंकि वो पुरुष वादी हैं, तो उन्हें यह लगा कि पुरुष जो है महिलाओं से महिलाएं के बराबरी ना करने लगे, इसलिए इनके दिमाग में भर दो कि पति परमेश्वर के बराबर है। तो वो वही चलता आ रहा है। आज भी देखिए, महिलाएं पैर छूती हैं, उसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, और महिलाओं को नहीं पता कि वो जो है क्यों चला आ रहा है, क्यों हमें ऐसे बांध कर रखा गया है। तो महिलाओं को नहीं मालूम है, इसीलिए वो जो जागृत है, ये सारी महिलाएं जो हैं आपके सामने, ये जागृत हैं, ये कहीं सिंदूर लगाती हुई नहीं दिखेंगी, ये कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। तो उन्होंने जो पाखंडवाद फैलाया, उससे निकलना इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो क्या लग रहा है कि इतने सालों से जयंती मनाते आ रही है, कितना महिलाएं विकसित हो गई और कितना वक्त लगेगा और विकसित होने में? मैडम, मुझे लगता है कि यहाँ पर ही देख लीजिए, पहले जब मैं बहुत पहले आई थी तो इतनी महिलाएं नहीं आती थी, आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, यानी कि जागरूकता फैल रही है। और ये जो हमारी टीम है ना बामसेफ की, जो सभ्यता संघ है, ये महिलाओं को जागृत करने का लगातार प्रयास कर रही है। और इतनी महिलाएं, जो महिलाएं पहले पूजा पाठ में बिल्कुल लिप्त थी, वो आज निकल चुकी हैं और वो जाके दूसरी महिलाओं को जागृत कर रही हैं। मैं ये मानती हूँ कि वो जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सकता है, लेकिन अभी धीरे चल रहा है। आपको बहुत लोग दर्शक देख रहे होंगे, और आप उनको महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, सिर्फ महिलाओं को, कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर पाए? महिलाएं शिक्षा का महत्व समझें, अपने परिवार में सभी को शिक्षित बनाएं, और अपने बच्चों को, यहाँ पर मैं आउट ऑफ द वे जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे जो है वो नशा ना करें, इसके लिए भी वो जागृत करें, उन्हें बताएं क्या होता है नशा, क्या उसके नुकसान है, क्योंकि हमारे बच्चे नशे में डूब रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने देखा कि लगातार महिलाएं और जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इतना जयंती है बाबा साहब? आज हम संविधान के बारे में, संविधान हमारा खतरे में, हमें संविधान को, ऐसी सरकार चाहिए जो संविधान को लागू करे। संविधान खतरे में,
संविधान खतरे में, पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ है, बदला जा रहा है धीरे धीरे, उसको निष्क्रिय किया जाता है, सिर्फ उसको पुस्तक रखना चाहती है, दस्तावेज माना गया है, बाकी उसको अमन में नहीं लाया जा रहा भारतीय संविधान को। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम नहीं करती, सरकार जुमले फेंकती है केवल, सरकार गरीबों के लिए अनाज दे रही है, और क्या चाहिए गरीबों के, हमको भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, संविधान के मौलिक अधिकार चाहिए। सरकार का अच्छा काम उस दिन माना जाएगा जिस दिन ये इसको निजीकरण को रोकें, और निजीकरण में या इनको जो है आरक्षण की सुविधा दें। इनका इनडायरेक्ट रूप से ऐसा वो बना हुआ है कि आरक्षण को रोकने के लिए इन्होंने निजीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था और ये अभी तक वो आरक्षण जो है 10 साल का वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, ना कि आपको जनरली जो रिजर्वेशन डाला गया है एससी एसटी ओबीसी का जो है। अभी तो ब्राह्मणों को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है 10%, जबकि 8 लाख इनकम का जो रेशियो बनाया है, 8 लाख सालाना और 8 लाख कमाने वाला बंदा गरीब को माना गया। ये जो संविधान, जबकि गैर संविधानिक काम किया जा रहा है, आपने कहा संविधान खतरे में, सारी चीजें तो संविधान के हिसाब से ही हो रही है। संविधान के हिसाब से तो नहीं हो रही ना, अगर संविधान के हिसाब से काम करते हैं तो हमें रोड पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जयंती मनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि भारतीय संविधान को पूरी तरह देश में लागू किया जाए, जिससे कि मूल निवासी बहुजन समाज का कल्याण हो, 90% लोगों का कल्याण हो। संस्थानों में इन ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं पूरे, आप सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी का आप देखेंगे, ओबीसी का एससी एसटी का किसी का बजट उसमें मिलेगा नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट में। कब तक बहुजन पॉलिटिकल, आपने बोला कि राजनीतिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में अभी भी बहुत कमजोर है, क्या लगता है कब तक संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, संघर्ष करने का मतलब यही है कि हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है, एससी एसटी ओबीसी और धन प्रवर्तित लोग, मूल निवासी लोग जो हैं, उनको अपने बहुजन समाज को इकट्ठा आना होगा, एक पात्र में आना होगा, ये अलग अलग जो संस्थानों में मिलकर जो है जो सबको पीछे कर रही है, बांट रही है, इकट्ठा होने नहीं दे रही है। ये सबका विकास, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जब होगा, जब ऊपर से सभी का सरनेम हट जाएगा, तभी ये विकास हो सकता है। क्या वजह है जो रोक रही है सबको इकट्ठा होने? नहीं, ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं, बाबा साहब को ये मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं। इन दोनों में कितना फर्क है ये मूल निवासी समाज को समझना चाहिए। बाबा साहब को मान रहे हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रहे, जो बाबा साहब ने संदेश दिया था। क्या है जो नहीं मान रहे, आप बताइए, आपको सुन के वो लोग जान पाएंगे। बाबा साहब ने बोला था कि समाज के लिए आप टाइम दो, समाज के लिए पैसा दो, समाज जब मजबूत होगा तब आपके पास शोषण नहीं होगा, आपको रोजगार मिलेगा, आपको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब कुछ मिलेगा जब आपको संसद में जाएंगे। चलिए लगातार देख रहे हैं, शिक्षा में समानता, शिक्षा में समानता और निजी क्षेत्र में जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक कोई फैसिलिटी ऐसी को नहीं समझी जाएगी, ना ही संविधान में। देख सकते हैं लगातार लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बाबा साहब को मानते तो सब है लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानते। आप इस बात से कितना सहमत है, असहमत है, जरूर बताइएगा।